नमस्ते मित्रों, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के बारे में। संसार की अगर हम बात करें, उसकी सृजन की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो जिन्होंने खोज की है उन्होंने पाया है कि संसार तीन चीज़ों पर निर्भर है, वह थ्री फोल्ड है। और विज्ञान ने भी जब खोज की है तो उसने पाया कि जब उसने मैटर को तोड़ा, जब उसने अणु को तोड़ा, तो जो अंतिम जो उपलब्धि थी विज्ञान की, वो भी कहती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद अंत आ जाता है। इसी तरह से जिन लोगों ने धर्म के जगत में गहरी शोध करी, गहरी रिसर्च करी, उनका भी जो निष्कर्ष जो निकला एंड में, वो तीन पे आके अटक जाता है, तीन से आगे नहीं जाता। और विष्णु उसी तीन के हिस्से हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शब्द धर्म द्वारा जगत की सृजन प्रक्रिया के तीन हिस्सों के नाम है। और इन तीनों के तीन अर्थ है। इसमें ब्रह्मा जो है जन्मदाता है, बनाने वाले, एक क्रिएटिव फोर्स। इसमें शंकर हैं, शिव, महेश जो कि संहार करने वाले हैं, जो विध्वंस करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। विष्णु इन दोनों के बीच में है, संस्थापक, चलाने वाले। जन्म है और मृत्यु है, इस जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, वो जो जीवन है, उसका नाम विष्णु है। और देखा जाए तो ब्रह्मा जी की जरूरत एक ही बार पड़ती है, वो आपको जन्म दे देते हैं। शिव जी की जरूरत भी एक ही बार पड़ती है, जब वो मृत्यु के समय में आते हैं। लेकिन बीच का जो टाइम है आपके पास, जन्म से मृत्यु तक, इसके बीच का जो पीरियड है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है जीवन, उसको हम विष्णु कहते हैं। और विष्णु की जरूरत इन दोनों बिंदुओं के बीच में है। ये जो तीन नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये कोई व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये शक्तियों के नाम है। इसलिए हमने इस देश में सभी अवतारों को विष्णु का अवतार कहा। असल में सभी अवतार विष्णु के ही अवतार हैं। आप भी अवतार विष्णु के ही हैं। असल में अवतरण होगा तो विष्णु का ही होगा। विष्णु यानी कि लाइफ एनर्जी, द एसेंशियल लाइफ एनर्जी विद विच यू आर अलाइव। तो अगर हम बात करें बुद्ध की, महावीर की, श्री कृष्ण की, ये सब जो है एक्सप्रेशन है उस विष्णु की एनर्जी के। ये सब विष्णु के अवतार हैं। और विष्णु के अवतार से सिर्फ इतना अर्थ है कि विष्णु की जो ऊर्जा है इनके अंदर प्रकट हुई है। विष्णु यानी लाइफ एनर्जी जो कि आपके भीतर भी है, तो आप भी विष्णु हैं, आपके भीतर भी विष्णु बैठे हुए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस ऊर्जा को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, राम की तरह एक्सप्रेस करेंगे या रावण की तरह एक्सप्रेस करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज आपके भीतर बैठी हुई, लेकिन है दोनों विष्णु की ऊर्जा ही। इसलिए समस्त जीवन का नाम विष्णु है, समस्त अवतरण का नाम विष्णु है। गलती कब हो जाती है, जब हम व्यक्ति को जो है विष्णु समझ बैठते हैं। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं है, विष्णु जो है प्योर लाइफ एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है। तो राम एक व्यक्ति है, विष्णु व्यक्ति नहीं है। कृष्ण व्यक्ति है, विष्णु व्यक्ति नहीं है। विष्णु केवल एक शक्ति का नाम है। इसलिए हम विष्णु सहस्त्र नाम में देखते हैं ये 1000 नामों का वर्णन होता है। और ये 1000 नाम जो है, ये 1000 एक्सप्रेशन है उस विष्णु की ऊर्जा के। इस भीतर के विष्णु को समझने के लिए और इस भीतर के विष्णु के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। मंत्र है ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके भीतर बैठे विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।